गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे इज सैटरडे एंड इन सैटरडे एक्टिविटी वी विल रीड अबाउट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. हेयर इज द डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रेफर्स टू मूविंग द नंबर्स अराउंड विदाउट अफेक्टिंग द रिजल्ट of an operation being performed on them. That means जब हम किसी number को आपस में बदलते हैं या फिर इधर उधर करते हैं तो वह बिना प्रभावित किए हुए उस operation का result हमें देता है, उसे commutative property कहते हैं. Okay? Commutative property or law explain that order of term does not matter, या matter नहीं करता है, बट द रिजल्ट विल बी सेम. लेकिन इसका रिजल्ट जो होता है वह बिल्कुल सेम होता है. इन एडिशन सपोज टू नंबर पी एंड क्यू ऑन एडिशन गिव्स अस सम आर. मान लेते हैं कि दो नंबर है पी और क्यू जिसको हम ऐड कर रहे हैं और उस ऐड करने के बाद उसका सम कितना आता है, आर. सो पी प्लस क्यू डैट इक्वल्स आर एंड Q प्लस पी डैट इक्वल्स आर. यानी इसको अगर हम आपस में चेंज कर रहे हैं, आपस में बदल रहे हैं, फिर भी इसका सम क्या है, इक्वल है. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में का यही रूल है कि आपस में अगर कोई नंबर अगर हम चेंज कर रहे हो तो रिजल्ट उसका फिर भी सेम ही होता है. एग्जाम्पल 5 प्लस टू डैट इक्वल्स 7 एंड अगर आपस में चेंज कर रहे हैं 2 प्लस 5 फिर भी 7 ही होगा. ओके, and multiplication, this property is applicable for multiplication also. It is the multiplication property of commutative law. यह property addition और multiplication दोनों के लिए काम करता है. For example, 5 into 2 that equals 10 and 2 into 5 that equals 10. यानी 5 into 2 और इसे अगर हम चेंज कर रहे हैं 2 इंटू 5 आपस में चेंज कर देने के बाद फिर भी दोनों का रिजल्ट क्या है, सेम है, 10. ओके, एक्टिविटी 1.1. व्हाट एम डू वी है, हमें क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्या है. टू वेरीफाई डैट एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर ऑल नंबर्स. हमें वेरीफाई करना है ऐड कर कम्यूटेटिव लॉ के आधार पर. ओके, व्हाट आर द मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या मटेरियल का जरूरी है, रिक्वायर्ड है. शीट्स ऑफ वाइट पेपर, फेविकॉल, ए पेयर ऑफ सीजर्स, ज्योमेट्री बॉक्स, स्क्वायर्ड पेपर एंड कलर्ड पेंसिल. ओके, हाउ डू वी प्रोसीड. कलर थ्री सेल ऑफ द स्क्वायर्ड पेपर विथ अ ग्रीन कलर्ड पेंसिल, सी फिगर 1.1. जैसा कि 1.1 में दिखाया गया है, थ्री स्क्वायर्ड पेपर चाहिए जो कि ग्रीन कलर्ड हो. ओके, सी आर थ्री स्क्वायर्ड पेपर विथ ग्रीन कलर. एंड नेक्स्ट, कलर फोर सेल्स ऑफ स्क्वायर्ड पेपर विथ अ ब्लू कलर्ड पेंसिल. और फोर स्क्वायर्ड पेपर चाहिए जिस जो ब्लू कलर्ड हो, यानी ब्लू कलर से कलर्ड किया हुआ हो. ओके, फोर ब्लू कलर्ड स्क्वायर्ड सीट. एंड नेक्स्ट, आगे क्या करना है, ड्रॉ टू स्ट्रेट लाइन ऑन अ सीट ऑफ वाइट पेपर एज शोन इन फिगर 1.3. और अब क्या करना है, ऑन वाइट पेपर ड्रॉ टू लाइन, दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है. ओके, A1 एंड A2, टू स्ट्रेट लाइन. ओके, एंड नेक्स्ट, पेस्ट द ग्रीन एंड ब्लू स्क्वायर ऑन अ शीट ऑफ वाइट पेपर एट जॉइनिंग ईच अदर, सी फिगर 1.4. काउंट द टोटल नंबर ऑफ कलर्ड स्क्वायर एंड नोट डाउन इट.